हेलो सन मून एंड राइजिंग एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल प्रीम टैरोट। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग के हवाले से रीडिंग है। ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। खुद मैसेजेस को कंसीडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और मेरी जनरल रीडिंग्स को अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी पेपाल लिंक में कर सकते हैं, और मेरे फेसबुक पे फॉलो करें फॉर लाइव सेशन। सो लेट्स स्टार्ट के देखते हैं एक्वेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है फॉर एक्वेरियस। और एक्वेरियस पार्टनर्स करंट फीलिंग्स फॉर एक्वेरियस, और एक्वेरियस पार्टनर करंट फीलिंग्स फॉर एक्वेरियस। ओके, सो यहाँ पर अंदर नीथ में बॉटम द डेक में आपके पास है टू ऑफ वॉन्ड्स। सो आपके पार्टनर जो है वो डिसीजन लेना चाहते हैं। ओके, आपके पार्टनर डिसीजन लेना चाहते हैं फॉर लाइक सेल्फ सफिशिएंट होके, इंडिपेंडेंट होके अपने लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, अपनी लव लाइफ के हवाले से कोई डिसीजन लेना चाहते हैं इंडिपेंडेंट होके। हो सकता है पहले बहुत सारे रेजिस्टेंस हो सकता है फैमिली की तरफ से रेजिस्टेंस हो, अब वो फैमिली से हट के जस्ट अपने लव रिलेशनशिप के लिए इंडिपेंडेंट होके डिसीजन लेना चाहते हैं। या यहाँ पर डिसीजन मेकिंग है। एक्वेरियस अपने फुल फॉर्म में आए हुए हैं, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द टेम्परेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द एम्प्रेस। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए ये है कि आपके पार्टनर जो है वो डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों का एक सेम पेज पे आना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। हो सकता है यहाँ पर वो अपनी फैमिली को भी मनाना चाहते हों, अपने डिसीजन के लिए वो अपनी फैमिली को मनाना चाहते हों, लेकिन यहाँ पर वो मान नहीं रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर फैमिली की इंटरफेरेंस या लाइक हर सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो इस रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं, बैलेंस रहना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा बैलेंस, सिक्स ऑफ पेंटिकल और जो टेम्परेंस है, ये दोनों चीज़ें बैलेंस को बताती हैं। तो यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है, बैलेंस है। तो स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके पार्टनर। लाइक हो सकता है यहाँ पर आप किसी टॉरस के साथ आप डील कर रहे हैं, लाइक या वो आपको एज अ परफेक्ट पार्टनर समझते हैं अपने। अगर आप उनके लव लाइफ में हैं तो आपको वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट पार्टनर समझते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। हो सकता है कि यहाँ पर कोई मदर फिगर है जो जिनके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके पार्टनर को लगता है, तो वो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही हैं। सो लेट्स सी के अदर मैसेजेस क्या हैं यहाँ पर आपके पार्टनर के हवाले से, नेक्स्ट एक्शन और अदर मैसेजेस कि वो क्या अदर मैसेजेस आते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्शन, पैशन। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा पैशन लाइक आप फील करें इन फ्यूचर आपके लिए। वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है पैशनेटली भी, तभी वो आपके लिए डिसीजन ले रहे हैं। उनको लगता है कि आपकी तरफ कोई अट्रैक्शन है, आप एम्प्रेस लगते हैं उनको, तो वो किसी मिरेकल का वेट करें या कोई मिरेकल हो सकता है इस रिलेशनशिप में। वो अपनी डेडिकेशन के साथ चाहते हैं कि रिलेशनशिप आगे बढ़ी। परफेक्शन, या वो परफेक्शन लाना चाहते हैं। परफेक्शन मींस के वो अगर उन्होंने अपनी लव लाइफ के हवाले से कोई डिसीजन लिया है तो वो ये नहीं चाहते कि अगर फैमिली नहीं मान रही है और उनके अगेंस्ट जाके वो कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो फैमिली को भी मनाकर अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। लाइक हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए फैमिली के साथ,
सबकी एक बॉन्डिंग हो, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं यहाँ पे एक्वेरियस आपके पार्टनर। तो अब आपके पार्टनर के हार्ट मैसेजेस ले लेते हैं और ये इनके नेक्स्ट एक्शन में भी यही है कि वो बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर सकते हैं और वो किसी मिरेकल का वेट कर रहे हैं कि उनकी फैमिली भी मान जाए और सब चीज़ें परफेक्ट हो जाएं। सो लेट्स सी के उनके हार्ट मैसेजेस क्या हैं जो उन्होंने कभी आपसे कहे नहीं हैं। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, हो सकता है वो पहले उन्होंने कोई लाइक हो सकता है पहले जो उन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए ना किया नहीं किया वो अब कर रहे हैं। तो ये वो कह रहे हैं कि मैं वो अब ये कहना चाह रहे हैं कि आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन। मे बी ये पास्ट की ही बातें हैं कि उन्होंने पास्ट में आपको किसी शक की बुनियाद पे छोड़ दिया था कि उनको लगता था कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं। तो अब वो इन सब चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, या उनको ये रियलाइज़ हो गया है कि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि आपकी और उनकी दरमियान है। आई विश कुड थिंग्स कुड बी डिफरेंट। तो यहाँ पर यही सिचुएशन है कि वो ये विश करें कि चीज़ें डिफरेंट हों। सो दैट वॉज योर रीडिंग एक्वेरियस। इफ इट्स सच एन इश्यू प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट बिलो। लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।